भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड इज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशलैन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग का ये दसवां अध्याय। इस दसवें अध्याय को बाबा साहेब ने एक छोटा शीर्षक दिए है। ये शीर्षक है दुख और सुख, दान तथा दया। दरअसल ये पूरा का पूरा अध्याय उनके एक बड़े शीर्षक बौद्ध जीवन मार्ग, इस शीर्षक का हिस्सा है और इसी के अंतर्गत ये दसवां छोटा अध्याय है, दुख और सुख, दान तथा दया। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में ये सारी चीजें बहुत आयत में देखने को मिलती है। अब बाबा साहेब इसे यहां विश्लेषित कर रहे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि गरीबी से दुख पैदा होता है, दुख पर लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, उनका चेहरा मुरझा जाता है, निराशा की गर्त में पड़ जाते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि गरीबी से दुख पैदा होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी हो जाए। दो बातें हैं, गरीबी से दुख पैदा होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आदमी गरीबी से बाहर निकले तो वो सुखी हो जाए। क्योंकि हम ऐसे कई लोग देखते हैं जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन वे सुखी हैं ऐसा नहीं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा, तथागत कभी भी दरिद्रता का समर्थन नहीं करते और बाबा साहेब भी दरिद्रता और गरीबी का समर्थन नहीं करते। वे एक बेहतर जीवन की ओर पूरी मानवता को ले जाने की बात कहते हैं। लेकिन यहां जिस संदर्भ में यह बात समझाई जा रही है, वो संदर्भ यह है कि गरीब आदमी यह सोचकर दुखी हो सकता है कि वो गरीब है, उसके पास कुछ संपन्नता नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, कुछ धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, इसलिए वो दुखी हो सकता है। लेकिन जिनके पास ये सब है, जो संपन्न है, धन है, संपत्ति है, बावजूद इसके वे सुखी हो, ये कोई जरूरी नहीं। तो फिर क्या है? तो देखिए, ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचा आचरण सुख का मूल मंत्र है। सुख का मूल मंत्र क्या है? ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचा आचरण। जिसका आचरण अच्छा है उसका जीवन बेहतर है, उसके जीवन में सुख है। और बस यही बौद्ध जीवन मार्ग है। फिर देखिए बाबा साहेब लिखते हैं आगे कि भूख ये सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या है? भूख, जिसके लिए हम देखते हैं हमारे यहां भी भूख से बिलखते हुए लोग जो भूख नाम की बीमारी से पीड़ित है। और आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। अगर सबसे बड़ा लाभ अगर किसी के पास में है तो आरोग्य, बीमारियों से मुक्त हो जाना। और बीमारियों से मुक्त जो नहीं है वो धन संपन्न होने के बावजूद बहुत परेशान है। तो संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार। अगर आपको लगता है कि जीवन में कहीं कोई संतुष्टि आए
तो आपको विश्वास करना सीखना होगा। विश्वास ये सबसे बड़ा रिश्तेदार है। जहां जहां विश्वास टूट जाता है रिश्ता भी टूट जाता है। तो रिश्तेदारी का विश्वास से बहुत गहरा नाता है और निर्वाण ये सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत हो जाना, ये सबसे बड़ा सुख। बैरियों के बीच में अबैरी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। बुद्ध वचन क्या कहते हैं? तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का ये सबसे बड़ा वचन जो हम सबके पास आ रहा है कि जिसको किसी को सुखपूर्वक जीना है तो बैरियों के बीच में, जहां बैरी है सब शत्रु है ऐसा महसूस होता है, उन बैरियों के बीच में अबैरी बनकर सुखपूर्वक जी लो। सुखपूर्वक जीने का ये सबसे बड़ा राज है। इस राज को यहां बाबा साहेब खोल कर रख रहे हैं, उघाड़ कर रख रहे हैं कि बैरियों के बीच में अबैरी बनकर जी लो तो सुखपूर्वक जियोगे और आतुरों के बीच में अनातुर बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। जो आतुर है उनके बीच में अनातुर बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। फिर वे लिखते हैं कि लोभियों के बीच में, सब तरफ लोभियों की ये जमात, ये लोभियों की दुनिया आसपास में बनी हुई है, इन लोभियों के बीच में हम निर्लोभी बनकर सुखपूर्वक जी लेंगे। क्योंकि लोभ से किसी का कोई फायदा तो है नहीं, तो लोभियों के बीच में निर्लोभी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, बिल्कुल उसी प्रकार काम और राग जनता को कष्ट देता है। काम और राग जो है वो जनता को कष्ट देता है, इसलिए जो राग मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जो राग द्वेष मोह आसक्ति इन सबसे जो मुक्त हो चुके हैं उनको अगर कोई दान भी दिया जाए तो उस दान का फल मिलता है, क्योंकि वे उस दान को सन्मार्ग में लगाते हैं। वरना जो आसक्ति युक्त है, जो राग में द्वेष में मोह में फंसे हुए हैं, उनको अगर दान दे दिया जाए तो वो जो दान है वो किसी भी अच्छे कार्य में नहीं लगता, तो उसका अच्छा फल भी नहीं आता। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है उसी प्रकार, आपने देखे होंगे ना खेतों में जो बेकार की घास लगी रहती है, बार बार किसानों को वो बेकार की घास निकालने के लिए काम ही करते रहना पड़ता है और निंदाई गुड़ाई उसकी चलते ही रहती है। ये निंदाई गुड़ाई इसीलिए चलती रहती है, हमें भी अपने जीवन में यही निंदाई गुड़ाई करना है अपने चित्त के साथ कि राग द्वेष से युक्त जो मन है उसको राग द्वेष से मुक्त कर लें। उसी प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार जो बेकार की घास होती है वो खेतों की फसल को नष्ट कर देती है, बिल्कुल उसी प्रकार तृष्णा जनता को कष्ट देती है। जहां जहां तृष्णा है वहां वहां कष्ट है, इसलिए जो तृष्णा से मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जो तृष्णा से मुक्त है उन्हें फल दिया जाए, उन्हें दान दे दिया जाए तो उसका कोई फल मिलेगा। तो दान के लिए ये जो खास मार्गदर्शन है कि हमें सचेत रहना है दान देते हुए भी, वरना हर एक को दान देते फिरते रहेंगे तो फिर स्थिति वही बन जाएगी कंगाली वाली। एक दिन दान का सारा दान देने वाला जो धन है वो ही खत्म हो जाएगा और उसका कोई फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें दान दे दिया गया वे दोषयुक्त थे, निर्दोष नहीं थे और उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। अब देखिए आगे लिखते हैं बाबा साहेब कि धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है।
धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है, और धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। आपने सुना होगा धम्म दान ये शब्द। धम्म दान का मतलब आधुनिक समय में हम एक बात जरूर देखते हैं कि धम्म दान को लोग धन दान ही कह समझ लेते हैं, तो धन दान करते हैं और कहते हैं कि ये धम्म दान है। धन दान ये धम्म दान नहीं होता, धन दान ये धन दान ही होता है। कोई संपत्ति दान दे रहा है, कोई पैसा दान दे रहा है, कोई रुपया दान दे रहा है, कोई चीजें दान दे रहा है, वो चीजें रुपया पैसा का ही दान है, वो धम्म दान नहीं है। धम्म दान का मतलब होता है तथागत बुद्ध के वचनों को दान करना, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का दान करना, वो धम्म दान है। और धम्म दान ये सब दानों से बढ़कर, सारे जितने दान हैं दुनिया में उन सारे दानों से बढ़कर दान है धम्म दान। क्योंकि उससे जिसे दान कर रहे हैं उसका जीवन ही सुधर जाता है, बदल जाता है, और वो एक बेहतरी की ओर अपने जीवन में बढ़ जाता है। तो ये जीवन में बेहतरी की ओर जो बढ़ने की स्थिति है, इस स्थिति को इसका दान करना ये सबसे अच्छा दान है। फिर देखिए, सारे माधुर्य से, धम्म का माधुर्य सबसे बढ़कर है, और धम्म का जो आनंद है, मतलब हम जब बुद्ध वचनों में जीते हैं, और जब बुद्ध वचनों में जीते हैं तो उसका जो आनंद मिलता है धम्म का आनंद, यानी कि अपने वाणी से, अपने काया से, अपने मन से किसी भी दोष को ना करना, उन दोषों से मुक्त हो जाना, इसका जो आनंद आता है वो आनंद सबसे बढ़कर होता है। ये बाबा साहेब लिखते हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर। तो इस चीज को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझें और इसे अपने जीवन में जो उतारते हैं वो वास्तव में बौद्ध जीवन मार्ग पर आरूढ़ है, चल रहे हैं, ये माना जाता है। तो यहां हम लोग रुकेंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।